फाइनली गाइस 15 जून 2001 के बाद तारा सिंह लौट आया है। और बात करें गद्दर वन की, तो उस टाइम में भी गद्दर फिल्म ने 133 करोड़ का कलेक्शन किया था और इन दोनों की लव स्टोरी पूरे इंडिया में छा गई थी। ये तो गद्दर वन की बात है, चलो अब चलते हैं गद्दर टू की ओर। सोचने वाली ये बात भी है, क्या तारा सिंह पाकिस्तान में ही रुका हुआ है, क्या वो इंडिया लौट पाएगा? बहुत बातें निकल कर आ रही है और दुख की बात यह भी है कि बड़े खलनायक यानी कि अमरीश पुरी इस बार फिल्म में नजर नहीं आएंगे। गद्दर 2 का कनेक्शन 1970 में हुई भारत पाकिस्तान की लड़ाई से भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि तारा सिंह का बेटा यानी कि जीते एक सैनिक की नजर में आए, सैनिक के रूप में नजर आए। गद्दर वन में तो सकीना और तारा सिंह की लव स्टोरी दिखाई थी, पर इस बार ऐसा भी हो सकता है कि बाप बेटे का अटूट रिश्ता भी दिखाया जा सकता है। पार्ट वन में हैंडपंप उठाकर फेंक दिया था, वैसे पार्ट टू में तारा सिंह सीमेंट का पोल भी उखाड़ सकता है। नई खबर यह भी है कि फिल्म में दो विलन नजर आएंगे। गद्दर ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और उम्मीद है कि इस बार भी कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगी ये फिल्म। गद्दर एक ऐसी फिल्म है जिसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है और दुनिया की इकलौती फिल्म है जिसके 10 करोड़ टिकट बिके थे। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।